से, जहां मानवाधिकार दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मधुबन पुलिस एकेडमी में नवनिर्मित अर्जुन की प्रतिमा और मुख्य द्वार सहित बुद्धा पार्क का उद्घाटन किया। उन्होंने यहां प्रतिज्ञा स्थल का भी लोकार्पण किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये एक अच्छी पहल है, इससे पुलिस की कठोर ट्रेनिंग के साथ साथ मन में संस्कार देने वाली चीजों को अपनाया जाएगा। बुद्धा पार्क में चलने वाले ट्रैक से भी शरीर को साधने के लिए जो सिस्टम बनाया है वह बहुत सराहनीय है। नवनिर्मित प्रतिज्ञा स्थल से हमें सत्य बोलने और झूठ की पहचान करनी आनी चाहिए। ऐसा माहौल बनना चाहिए कि हमें सत्य बोलना आसान लगे और झूठ बोलने में कठिनाई हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरे विश्व में मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। हर नागरिक को अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का भी एहसास करवाया जाए। कर्तव्य का विचार करेंगे तो अधिकार को अपने आप मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि मधुबन स्थित FSL प्रयोगशाला में जल्द ही बार कोड सिस्टम शुरू किया जाएगा, जिसमें किसी कर्मचारी की जानकारी के बिना वस्तु का समयबद्ध परीक्षण हो पाएगा, ताकि किसी को किसी तरह की शिकायत ना रहे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम को सार्थक रूप देने के लिए हमने ऐप और हेल्पलाइन सेवा शुरू की है, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायत दे सकता है। इसकी गहराई से जांच कर दोषी को सजा दिलाई जाएगी। पानीपत फिल्म पर उठे विवाद पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बारे बहुत कुछ सुनने में आ रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है इस पर विचार करने के बाद ही इस पर निर्णय किया जाएगा। मधुबन ये जो हमारा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है और इसमें जितनी भी संस्कार देने वाली विधि है उसको अपनाया जाएगा, उतना हमारे पुलिस कर्मी उनकी कठोर ट्रेनिंग में साथ साथ मन में विचार भी अच्छे आए, संस्कार भी अच्छे हों, तो उसके लिए वातावरण भी अच्छा बने। तो जिस प्रकार एक सुंदर गेट यहाँ बनाया गया है प्रवेश द्वार पर ही, ये याद रहे कि हम महापुरुषों के जीवन के अनुसार उनकी बताई गई शिक्षा के अनुसार आगे बढ़ेंगे। और इसी प्रकार से जैसे शारीरिक कठिनाई, शारीरिक तपस्या, उस नाते से जो पार्क बनाया गया बुद्धा पार्क, उसमें भी चलने के लिए जो ट्रैक बनाए गए हैं, उस ट्रैक पर एक प्रकार से अपने शरीर को साधने के लिए जो एक सिस्टम बनाया है बहुत सराहनीय है, बहुत एक अच्छा वो प्रोजेक्ट है, प्रकल्प है। और जैसे ये प्रतिज्ञा का स्थल बनाया है, इस प्रतिज्ञा स्थल पर भी उसको सत्य और झूठ इसकी पहचान करनी आनी चाहिए। और जैसे लिखा कि सत्य कठिनाई से स्वीकार करते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि मन की स्थिति ऐसी हो कि सत्य को ही आसानी से स्वीकार करें, झूठ स्वीकार करने में थोड़ा बोझ आना चाहिए, उसको कठिनाई से स्वीकार करें। और एक अंतिम बात जो मैंने कही है कि आज चूँकि 10 दिसंबर है, मानवाधिकार का जो दिन सारी दुनिया इसमें मनाया जा रहा है, हर व्यक्ति को, नागरिक को, मनुष्य को अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का भी आभास कराया जाए। यदि कर्तव्य करना ये मन में विचार करेगा तो अधिकार तो अपने आप मिल जाएंगे, उसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी, हमारा जीवन शुद्ध होगा, आचरण अच्छा होगा और हम कुछ न कुछ योगदान भी कर सकेंगे समाज के लिए। इन सब बातों को करते हुए अभी एक उद्घाटन और हम लोग जो विचार पहले बहुत दिनों से विचार चल रहा था वो तैयार किया है हमारे श्रीकांत जी यादव, इन्होंने FSL में एक नया प्रयोग किया है कि अभी तक FSL की बहुत सी शिकायतें आती थी, अब उसमें बार कोड व्यवस्था एक बनाई गई है। और जो FSL के अंदर साइंटिस्ट हैं या जो उसकी टेस्टिंग करने वाला जो स्टाफ है, उनको किसी को पता नहीं लगेगा कि ये जो सामग्री है, ये जो मटेरियल है FSL में जो जिसके ऊपर टेस्ट होना है, वो किस व्यक्ति का है, कहाँ से आया है, उसकी सारी जानकारियाँ उसे छुपा कर रखी जाएंगी। और उसका जो रिजल्ट है वो बारकोडिंग के माध्यम से और उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो हो जाएगी, ताकि ये शिकायतें समाप्त हो जाए और FSL में टाइम बाउंड तरीके से इस टेस्टिंग को किया जाएगा, ताकि बहुत जो लंबा समय लगता है उसमें भी सुधार हो। मतलब भ्रष्टाचार के लिए नंबर जारी किए गए, आप दूसरी दफा यहाँ पहुँचे, एक धारणा बनी हुई थी, आपकी जानकारी के लिए मैं तीसरी बार भ्रष्टाचार रोकने के लिए नंबर जारी किए हैं सर। कल दुनिया भर में एंटी करप्शन डे मनाया गया था, उसमें हमने पहली पहल की थी कि एंटी करप्शन डे को केवल औपचारिक तौर पर न मनाया जाए बल्कि कुछ प्रावधान किए जाए। कल ही भ्रष्टाचार की शिकायतें उनको दर्ज करने के लिए एक ऐप भी बनाई गई है, एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है और एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। और इसी प्रकार से ट्वीट में डायरेक्ट मैसेज का प्रावधान भी किया है, एक वेबसाइट के ऊपर एक पेज बनाया गया, हर प्रकार का जो भी कम्युनिकेशन का तरीका हो सकता है उस कम्युनिकेशन के तरीके से फोटोज़, वीडियोज़, ऑडियोज़ ये डाल करके जो शिकायत करेंगे उसके ऊपर जांच होकर के उसका उसमें जो भी व्यक्ति दंडित यानी जो दोषी होगा उसको दंडित किया जाएगा। और ऐसे शिकायत करने वाले को
अगर शिकायतें सही पाई जाती हैं, वर्षांत में जो इसमें सबसे ज़्यादा शिकायतें करेंगे उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। अगर सार्वजनिक तौर पर अगला चाहेगा तो सार्वजनिक तौर पर करेंगे, अन्यथा उसको प्राइवेटली उसके घर पर जाकर के पुरस्कार देंगे, ताकि इस करप्शन जैसा जो रोग है इसको दूर करने में समाज भी आगे आए, ये हमारी सही। तो पानीपत मूवी को लेकर प्रदेश सरकार क्या करेगी, जिस तरह से विरोध आ रहा है? बहुत सी विचार आ रहे हैं, सुनने में मिल रहे हैं, फिर भी संबंधित लोगों से बातचीत करके और बहुत जल्दी कोई ना कोई निर्णय ऐसा किया जाएगा ताकि किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, ऐसा संबंधित लोगों से बातचीत हम कर रहे हैं। संगठनात्मक चुनाव में बहुत सी शिकायतें आती थी, अब उसमें बार कोड व्यवस्था एक बनाई गई है और जो FSL के अंदर साइंटिस्ट हैं या जो उसकी टेस्टिंग करने वाला जो स्टाफ है उनको किसी को पता नहीं लगेगा कि ये जो सामग्री है, ये जो मटेरियल है FSL में जो जिसके ऊपर टेस्ट होना है वो किस व्यक्ति का है, कहाँ से आया है, उसकी सारी जानकारियाँ उसे छुपा कर रखी जाएंगी और उसका जो रिजल्ट है वो बारकोडिंग के माध्यम से और उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो हो जाएगी, ताकि ये शिकायतें समाप्त हो जाए और FSL में टाइम बाउंड तरीके से इस टेस्टिंग को किया जाएगा, ताकि बहुत जो लंबा समय लगता है उसमें भी सुधार हो। तो भ्रष्टाचार के लिए नंबर जारी किए गए, आप दूसरी दफा यहाँ पहुँचे, एक धारणा बनी हुई थी, आपकी जानकारी के लिए मैं तीसरी बार भ्रष्टाचार रोकने के लिए नंबर जारी किए हैं सर। कल दुनिया भर में एंटी करप्शन डे मनाया गया था, उसमें हमने पहल की थी कि एंटी करप्शन डे को केवल औपचारिक तौर पर न मनाया जाए बल्कि कुछ प्रावधान किए जाए। कल ही भ्रष्टाचार की शिकायतें उनको दर्ज करने के लिए एक ऐप भी बनाई गई है, एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है और एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है और इसी प्रकार से ट्वीट में डायरेक्ट मैसेज का प्रावधान भी किया है, एक वेबसाइट के ऊपर एक पेज बनाया गया, हर प्रकार का जो भी कम्युनिकेशन का तरीका हो सकता है उस कम्युनिकेशन के तरीके से फोटोज़, वीडियोज़, ऑडियोज़ ये डाल करके जो शिकायत करेंगे उसके ऊपर जांच होकर के उसका उसमें जो भी व्यक्ति दंडित यानी जो दोषी होगा उसको दंडित किया जाएगा और ऐसे शिकायत करने वाले को अगर शिकायतें सही पाई जाती हैं वर्षांत में जो इसमें सबसे ज़्यादा शिकायतें करेंगे उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। अगर सार्वजनिक तौर पर अगला चाहेगा तो सार्वजनिक तौर पर करेंगे, अन्यथा उसको प्राइवेटली उसके घर पर जाकर के पुरस्कार देंगे, ताकि इस करप्शन जैसा जो रोग है इसको दूर करने में समाज भी आगे आए, ये हमारी सही। तो पानीपत मूवी को लेकर प्रदेश सरकार क्या करेगी, जिस तरह से विरोध आ रहा है? बहुत सी विचार आ रहे हैं, सुनने में मिल रहे हैं, फिर भी संबंधित लोगों से बातचीत करके और बहुत जल्दी कोई ना कोई निर्णय ऐसा किया जाएगा ताकि किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, ऐसा संबंधित लोगों से बातचीत। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।